अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं आज एक और जिनका ऑस्ट्रेलिया का 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा लग के आया है। भाई से भी क्वेश्चन करेंगे कि क्या इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, इनका वीज़ा प्रोफेशन क्या था। ये मैंने वीज़ा दोस्तों इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। इसकी मैं पूरी डिटेल अब बता देता हूँ क्या है जी ये वीज़ा। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा जारी हुआ है। ई वीज़ा होता है ऑस्ट्रेलिया का, 3 पेजेस आते हैं, सब क्लास 600 वीज़ा होता है। हमने इनका वीज़ा अप्लाई किया था वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप के लिए हमने 3 मंथ्स पहले 4 मंथ्स पहले प्रमोशन करनी शुरू कर दी थी। बताया था कि आप मैच की टिकट्स लेके वीज़ा अप्लाई करें, बड़े अच्छे चांसेस होंगे। बहुत सारे लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया, कुछ लोगों ने वीज़ा नहीं अप्लाई किया। जिन लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया था उनके रिजल्ट्स अब आना शुरू हुए हैं। यहाँ पे एक और बात क्लियर करता चलूँ, वर्ल्ड कप शुरू हो गया हुआ 15 तारीख से, आज हो गई है 29 हो रही है, और 28 को 29 को भी वीज़े इशू हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी वर्ल्ड कप तो शुरू हो गया, वीज़े तो अब नहीं वीज़ा मिलेंगे, वर्ल्ड कप से पहले ही वीज़े इशू होने चाहिए थे। ऐसा नहीं है, इनका वीज़ा इशू हुआ 26 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को भी वीज़ा इशू हुआ है, 28 अक्टूबर को भी वीज़ा इशू हुआ है। वो मैंने सारे इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, आप देख सकते हो। तो क्योंकि ये एक साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा देते हैं, अगर तो सिर्फ वर्ल्ड कप की हद तक वीज़ा देना होता ना, तो वो फिर सिर्फ डेटेड वीज़ा दे देते कि आपका ये प्लान है, उस प्लान पे आओ और जाओ। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, लोग कहेंगे जी ऑस्ट्रेलिया देता ही 1 ईयर मल्टीपल एंट्री है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक हमारे क्लाइंट, बांग्लादेशी क्लाइंट को वीज़ा मिला था, 1 ईयर सिंगल एंट्री वीज़ा मिल गया था उनको, 3 मंथ वहाँ पर स्टे कर सकते थे। अब ये मैं पहले पढ़ के सुना दूँ। डियर सैयद अब्दुल करीम, वी हैव ग्रांटेड यू अ विजिटर सब क्लास 600 वीज़ा ऑन 26 अक्टूबर। मैंने लास्ट वीडियो एक बनाई थी भाई को जो वीज़ा इशू हुआ था, ये भाई थोड़ा लेट आए थे इसलिए इनके साथ अब वीडियो बन रही है, जो पहले वीज़ा हमने इनका अपलोड कर दिया होगा। अच्छा, वीज़ा कंडीशन नो वर्क, वर्क वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 मंथ स्टडी, 3 मंथ तक वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, विजिटर सब क्लास 600, यानी कि वहाँ पे ग्रांटेड वीज़ा ग्रांट हो चुका हुआ। अच्छा, उसकी आगे डिटेल लिखी हुई है, वीज़ा ड्यूरेशन एंड ट्रैवल। अच्छा, डेट ऑफ ग्रांट 26 अक्टूबर, मस्ट नॉट अराइव आफ्टर 26 अक्टूबर 2023। अच्छा जी, एक साल का वीज़ा 26 अक्टूबर 2022 से लेके 26 अक्टूबर 2023 तक ये वीज़ा दोस्तों वैलिड है। अच्छा, 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ईच अराइवल, हर महीने में 3 मंथ तक ईच अराइवल, कभी भी ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं 3 महीने तक वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। अच्छा, उसके बाद वीज़ा समरी, ये इनकी आगे पासपोर्ट की डिटेल्स आ गई और नीचे सारी इनकी पासपोर्ट की डिटेल्स लिखी हुई हैं। उसके बाद ये हमने आगे देखते हैं हम कितनी देर स्टे कर सकते हैं, पोलियो वैक्सीनेशन, करेक्टर रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ें रहती हैं। भाई से बात करते हैं थोड़ी सी कि भाई का वीज़ा प्रोफेशन यहाँ पे क्या। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, थैंक यू सो मच और कांग्रेचुलेशंस टू यू कि आप, थैंक यू। आपको ऑस्ट्रेलिया का 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला। सबसे पहले मुझे अपना यहाँ पे वीज़ा स्टेटस बताएं, करंट वीज़ा स्टेटस क्या है। करंट वीज़ा स्टेटस मेरा इलेक्ट्रिशियन असिस्टेंट का, इलेक्ट्रिशियन असिस्टेंट का वीज़ा। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत हाई प्रोफेशन, पार्टनर इन्वेस्टर को वीज़ा मिलते हैं, इलेक्ट्रिशियन असिस्टेंट का वीज़ा यूएई में है, उसके ऊपर वीज़ा मिला। अच्छा, मुझे बताएं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी। ट्रैवल हिस्ट्री सऊदीया और यूएई, सऊदीया और यूएई। सऊदीया की ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं होती और यूएई में आप ऑलरेडी हो, इट्स मीन कि आप कहीं पर ट्रैवल नहीं किया हुआ विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री। भाई ने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लिया है, जो लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत हाई किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होती है, ये उनके लिए एक एग्जाम्पल है। इससे जो लास्ट वीज़ा इशू हुआ था वो भी मैंने आपको पूरा भाई के साथ इंटरव्यू जब लिया था बताया था कि उनकी भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, किसी एक कंट्री में भी नहीं गया हुआ था, आई थिंक सो सऊदी शायद उन्होंने ट्रैवल किया हुआ था और कहीं पर ट्रैवल नहीं था, उनको वीज़ा मिल गया था। आज उसके बाद इन भाई को वीज़ा मिला है। कितने साल से यहाँ पे हैं आप? 9 ईयर से हैं। अच्छा, उसके बाद दोस्तों मैं एक चीज़ बताता चलूँ, जब आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, फिंगरप्रिंट्स हो गए, उसके बाद से डेट स्टार्ट होती है, विद इन 1.5 मंथ आपको वीज़ा हो जाता है। सर मैं आपका थैंक यू कहूँगा कि आप हमारे पास आए, हमसे सजेशन लिए, आपने हमसे पूछा था कि मैं कहाँ पे वीज़ा अप्लाई करूँ, हमने आपको सजेशन दी थी कि इस टाइम करंट सिनेरियो के अंदर ऑस्ट्रेलिया बेहतरीन ऑप्शन है कि आप करें, तो हमने इनको ऑस्ट्रेलिया की ऑप्शन दी थी और भाई ने कहा ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है जिस कंट्री में वहाँ पर वीज़ा अप्लाई करें।
थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेट्स टू यू, आप हमारे पास आए, हमारे से हमारी सर्विसेज ली और हम पे बिलीव किया. थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे. ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.